ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر بزم تمدن ہے ضیابار ہمی سے ہر بزم تمدن ہے ضیابار ہمی سے قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمی سے مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمی سے حقدار تو ہے فصل گلستان کے بہت لوگ حقدار تو ہے فصل گلستان کے بہت لوگ ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمی سے اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام جمعیت علماء دھلیا مہاراشٹر کے ضلع صدر اور ضلع جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر تمام معززین شہر اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج 14 اگست 2024 کی شام ہے کل 15 اگست 2024 کا دن ہے جب جب ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں 15 اگست آتی ہے
तो हमारा ये दिन एक बहुत तारीखी दिन है और इस दिन के आने पर कई सौ बरस पर मुहीत कुर्बानियों की तारीख भी आती है। जिस तरह इस मुल्क में हम 15 अगस्त को हर साल यौम आजादी के नाम से याद करते हैं, ये ऐसे ही हमें याद करने का मौका नहीं मिला। यौम आजादी इतनी आसानी से हमें नसीब नहीं हुआ। इस मुल्क की फजाओं में और इस मुल्क में हमें आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए कोई अहम दो चार कुर्बानियां नहीं दी गई हैं। चूंकि हमारा आजादी से दिन ब दिन अरसा दूर होता चला जा रहा है, 1947 से आज 2024 में हम बैठे हैं, जाहिर है इतना तवील अरसा जब किसी चीज को गुजर जाए तो कम से कम दो नस्लें मुकम्मल तौर पर गुजर जाती। और याद रखिए, नस्लें कितनी भी गुजर जाएं, जो भी कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद रखती है और अपने असलाफ की कुर्बानियों से बाखबर रहती है, वो कौम कभी भी नाकाम नहीं होती और उस कौम को न कभी दुनिया में कोई ताकत कुचल सकती है। वक्ती तौर पर ये कौम दबी भी महसूस हो सकती है मगर उसका खात्मा नहीं हो सकता। जिस समाज का, जिस कबीले का और जिस कौम का गुजरता हुआ हाल गुजरे हुए माजी के साथ जुड़ा हो और जिसका आज उसके माजी के साथ मुलहक हो और वो माजी के आईने में हाल की जिंदगी गुजार रहा हो और मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा हो, उस कौम पर कभी भी जालिम पूरे तौर पर मुसल्लत नहीं हो सकते। प्यारे जवानों, खास तौर पर आपसे मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, जब ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क था और उस वक्त इस मुल्क में आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के कुछ हिस्से, बर्मा का कुछ हिस्सा और इसी तरह अफगानिस्तान मौजूदा शक्ल में जो है इसके भी कुछ हिस्से इस हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान होते थे। और ये मुसलमानों मुसलमान हुक्मरानों की 800 बरस तक हुक्मरानी रही, दो चार बरस नहीं, 800 बरस इस मुल्क में मुसलमान हुक्मरान रहे और इस मुल्क को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया। इस मुल्क को उन्होंने दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा दिया। इस मुल्क को उन्होंने तारीखी और बेहतरीन धरोहरें दी। ये मुल्क जब अपने शबाब पर था तभी इसकी इसको किसी की नजर लग गई। और हुआ ये कि जैसे जैसे यहां मुगलिया और मुसलमान हुक्मरानों की तारीख आगे बढ़ती रही, उनके जानशीन खास तौर पर औरंगजेब के जानशीन बद से बदतर आते चले गए। यूं कहा जाए कि उन्हें बहुत ज्यादा कोई बसीरत नहीं थी, समझ नहीं थी। औरंगजेब के बाद इस मुल्क में अंग्रेज ताजिर बन के आया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस मुल्क में बड़े जखीरे हैं, बहुत कीमती चीजें हैं, इस मुल्क के रहने वाले लोग बड़े सूफी किस्म के लोग हैं, सादा किस्म के लोग हैं, सज्जन किस्म के लोग हैं, इन्हें तो जैसे चाहे समझाया जा सकता है। वो आया और एक बिजनेसमैन भेस में आया, ताजिरों के भेस में आया और कहा कि हम तुम्हारे मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ कारखाने लगे,
हम चाहते हैं यहाँ पर फैक्ट्रियां आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी बने, हम चाहते हैं कि आपके मुल्क में एक से एक न्यू ब्रांड आए। आज की जबान में मैं कह रहा हूं, उस वक्त के लोगों ने उस बात को नहीं समझा और ये समझा कि शायद इस मुल्क की तरक्की और ज्यादा हो जाएगी और अंग्रेजों को उन्हें कारोबार करने की इजाजत दे दी गई। नतीजा ये हुआ कि 1498 ईस्वी में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की शक्ल में इक्का दुक्का अंग्रेज इस मुल्क में आते थे और तिजारत कर रहे थे और वहां खबरें भेज रहे थे कि ये बहुत अच्छा मुल्क है। फिर एक मुल्क में थोड़ी सी किसी चीज पर कीमत बढ़ा दी गई, वहां के चंद अंग्रेज नाराज हुए कि तुमने ये कीमत मसाले जात पे कैसे बढ़ा दी। उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिए, मैं बीच बीच में आज के हालात से भी आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमेशा जो चमकता है हर चमकदार हकीकत पर नहीं होता, हर दिखने वाली चीज हकीकत पर मबनी नहीं होती। जो चीज बहुत ज्यादा धूमधाम से चमक रही हो, जरूरी नहीं है उसके पीछे भी ऐसी ही धूमधाम और चमक हो, बल्कि कभी कभी एक साफ सुथरे चेहरे के पीछे भी बड़ा मकरो फरेब छुपा होता है। आज भी तो हो रहा है, वही गरीब जो अपनी कीमती हाथों से खून पसीना बहाकर अपने ही खेतों में, अपने खलियानों में और अपने कारखानों में 500 और 1000 रुपए का कोई आइटम बना करके दे, उसी पे कोई कंपनी पैकेट चिपका के और अपना ब्रांड लगा के वही 1000 रुपए की चीज 5000 की मार्केट में बेची जा रही है। याद रखिए, ये तरीका हिंदुस्तान के हक में न कल था, न आज है और न कल होगा। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के मुनाफी है, मुताबिक है कि जिस तरह कल अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटा और चंद अंग्रेज इस मुल्क की सारी दौलत के मालिक बनना चाहते थे और इस मुल्क के अक्सरियत के हाथों से दौलत छीनकर चंद एक मालदार अपने ही गोदामों में उस दौलत को भर लेना चाहते थे, वही ट्रेंड आजादी के बाद से भी कुछ लोग घात लगाए बैठे थे कि मौका मिले और हम भी इसी तरह इस मुल्क की दौलत को लूटे। मुल्क के वफादार, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले और हिंदुस्तान से सच्चा ताल्लुक रखने वाले और इसको अपना सही माना में वतन जानने वाले कभी इस बात पर राजी न होंगे कि ये मुल्क हमेशा गरीब रहे, बल्कि हर हिंदुस्तानी की दिली ख्वाहिश ये होगी कि इस मुल्क में जीने वाला हर एक हिंदुस्तानी खुशहाल हो, किसी के घर में फाके ना हो, किसी को हाथ फैलाना ना पड़े, किसी का मरीज तड़प तड़प के जान ना दे और कोई ऐसा ना हो कि अपनी ही चीज का मालिक होने के बावजूद वो बना करके दे और जब वही बंदा बाजार में अपना माल खरीदने जाए कोई और कंपनी उसी से खरीद कर 1000 रुपए का माल उसी को 5000 में बेच रही हो। इस मुल्क पर ताकत में बैठे हुए लोगों, कान खोल के सुनो, ये मुल्क जितना जितना कीमती मुल्क है और इसका सरमाया जितना कीमती है, इसको किसी चंद लोगों के हाथ का खिलौना कभी ना बनने देना, वरना ये मुल्क का एक एक बंदा कभी माफ करने वाला नहीं। भाइयों, वक्त आया कि वो कंपनी आई 1498 से, तो खाल खाल और जगह जगह ये काम करते थे, लेकिन इनको जब एक सदी पूरी गुजर गई और 1601 ईस्वी आया, आज क्या चल रहा है 2024 और आया 1601 ईस्वी, 400 बरस से ज्यादा गुजर गया है। वो एक कंपनी का नाम डालकर और उसको रजिस्टर्ड करा के बंगाल में आए वास्को डी गामा की शक्ल में, वास्को डी गामा की शक्ल में, और बंगाल पे उतरे और वहां उन्होंने अपनी तिजारत का आगाज किया। वहां के जो भी हुक्मरान और नवाब थे उन्होंने उन्हें रियायत दी और वो ये समझे कि हम तो जाहिल हैं, हमारे यहाँ तो वही पुराने तरीके हैं, ये नई नई इजादात लेकर आएंगे, ये इस मुल्क को तरक्की की राह पर चलाएंगे और ये इस मुल्क में न जाने क्या क्या चीजें पैदा कर देंगे जो ये मुल्क तरक्की की राह पर चलेगा।
और उनको रियायत देना शुरू। यहां तक कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बालों पर खोलना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बंगाल इनके हाथ में चला गया। बंगाल के चारों तरफ इन्होंने अपने तिजारत के मराकिज, यानी आज मैं ये कहूं कि सेंटर्स, या ये कहूं कि अपने इन्होंने दफातर, जैसे एक दफ्तर से बहुत बड़े एरिए को कंट्रोल आज के दौर में किया जा सकता है। एक 10x10 के कमरे में बैठकर चार लोग 4000 वर्कर्स को कंप्यूटर पे कंट्रोल कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं। वही दौर वो भी होगा कि उन्होंने चंद अपने मराकिस बनाकर बंगाल पे इस तरह लूट मार शुरू कर दी कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसको सख्त से सख्त सजाएं देते थे। आए थे क्या करने? तरक्की देने के लिए। कर क्या रहे हैं? जो ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के दौर में मैं कहूं अगर यहां पे कोई प्लान आ जाए कि भाई यहां पे एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी और इस एरिए को खाली किया जाए और ये बिल्डिंग वाले साहब कहें भी मैं नहीं कर सकता, ये बाशिंदे इस मुल्क के, इन्हें हक है, ये कहें मैं नहीं दूंगा, ये मेरा माल है, मैं नहीं दूंगा इसको, और इस मुल्क की कोई भी हुकूमत हो उसे चाहिए कि वो अपने शहरी की ख्वाहिश का एहतराम करे। लेकिन जो कल होता था वो ये होता था कि अगर उनके सामने कोई आया, बजाय कन्वेंस करने के, बजाय इसके कि उसको समझाया जाता, बजाय इसके कि उसके दर्द को सुना जाता, उसकी पीड़ा को समझा जाता, बल्कि डंडे के जोर पर उससे उसकी जगह को छीना जाता था और उसे जेल की कॉल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो जो सात समंदर दूर से आते थे उनके लिए इसी मुल्क के बाशिंदों के घर और उनके खेत छीन लिए जाते थे और इस मुल्क के बाशिंदे जेलों की सराहों के पीछे होते थे और अंग्रेज की कंपनी दंगदनाती फिर रही थी। यहां तक वक्त आया प्यारो कि बंगाल में देखते ही देखते अंग्रेजों ने वहां हिंदू और मुसलमान के फर्क को खत्म करके उनकी बहनों पर गंदी निगाहें डाली। बंगाल की बच्चियों पर उन्होंने अपनी गंदी निगाहों को डालना शुरू किया। कभी किसी के घर से बच्ची को उठवा लेते, कभी किसी की बच्ची को उठवा लेते, पता चलता कि किसी गैर मुस्लिम की बच्ची उठ गई आज, कल उसकी लाश मिली है अंग्रेज की कोठी से, पता चलता किसी मुसलमान की बहन को उठा लिया और उसकी लाश फला जंगल में पड़ी है। इस तरह दरिंदगी का खेल अंग्रेजों ने वहां शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि देखते देखते सब के सब डर के मारे सहम गए और हर एक के दिल में ये बात बैठ गई कि अपने आप को बचाओ। जोड़ो आज से फिर, हर एक ये कहता था अपने आप को बचाओ, देखो अभी उसका नंबर आ गया, खुद को सेव करो, और जो अंग्रेज अंग्रेज की कंपनी कहती है उसको मान लो कि ऐसा ना हो कल मेरी बहन, कल मेरी बेटी, कल मेरे घर की खातून का नंबर आ जाए। यही सोच अगर पलट कर ये बन जाती जिस दिन बंगाल की किसी बहन के ऊपर अंग्रेज ने पहली बार हाथ डाला था, वहां का हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होकर पहली ही मरतबा उसके मुकाबले पे आ जाता, अगली बहन का कोई नंबर ना आता और अंग्रेज किसी भी कीमत पर अपने पैरों को बंगाल में जमा ही ना पाता। लेकिन ये कि अभी मेरा नंबर नहीं है, अभी मैं सेफ हूं, महफूज हूं मैं, अभी क्या हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, एक दो पे जुल्म हुआ। जुल्म की जब दास्तान चलती है भाइयों और उसके कदमों पे पहली ही मरतबा फर्स्ट टाइम ही अगर कदम ना लगे और उसके जुल्म के पैरों में जंजीरें ना जकड़ी जाएं और उसके पैरों को रोका ना जाए, जुल्म हमेशा बेलगाम होता है, जुल्म हमेशा बेदर्द होता है, जुल्म के दिल में कभी रहम नहीं होता और जुल्म की प्यास कभी नहीं बुझती। जुल्म जब शुरू होता है उसकी कोई इंतहा नहीं होती। जुल्म का एक इलाज है मजहब को देखे बगैर, मसलक को देखे बगैर, जात और बिरादरियों को देखे बगैर, गरीब से गरीब बंदे पर भी अगर जुल्म हो उसको वहीं पर रोक दो, अगर उसके कदम आगे बढ़े कोई घर भी जुल्म से कभी नहीं बचेगा। यही हुआ बंगाल में, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, और इस तरह कहानी बढ़ती चली गई।
नतीजा ये हुआ 1601 से लेकर 1751 तक 150 साल गुजर गए। अंग्रेज की बदमाशियां इसी तरह बंगाल में चलती रही। 1751 आई और 1751 में एक वहां के नवाब थे, उनके दिल में चिंगारी उठी कि भाई ये तो बड़ा खराब है, नवाब हम, बादशाह गोया के हम, हुक्मरान हम ही यहां के अमीर, और हमारी कुछ नहीं चलती, जो कुछ है अंग्रेज हमसे मनवा लेता है। उन्होंने अपने हलके के चंद खास लोगों को इकट्ठा किया और कहा भाई देखो ये तो बहुत नाजुक मोड़ पे बंगाल जा रहा है, और अब तो इन्होंने बंगाल की सरहदों से दूसरे मुल्कों में, दूसरे सूबों में और नवाबों की रियासत में पैर रख दिया, अब इनको रोको। जैसे ही उन्होंने ये प्रोग्राम बनाना शुरू किया, अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने उनका दायरा तंग करना शुरू कर दिया। इसी अरसे में उनका इंतकाल हुआ और उनकी गद्दी पर उन्हीं के घर से एक बंदा विराजमान हुआ जिसका नाम है नवाब सिराजुद्दौला। इसके सीने में चूंकि आग लग चुकी थी कि मुझे अंग्रेजों का खात्मा करना है, लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई सिर्फ इसमें 1857 और उसके बाद शुरू हुई है। चूंकि इस मुल्क में ये भी अजीब फलसफा है, तारीख के नाम पर, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर, स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर भेदभाव का एक भाव पैदा किया गया। ये मुजाहिदीन आजादी इधर हुए, ये मुजाहिदीन आजादी इधर हुए, अरे जिन्होंने भी जंग लड़ी उनका एहतराम करो, इसलिए कि वो इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से और उसके जुल्म से बचाने के लिए अपना जान, अपनी जान, अपना माल और अपना सब कुछ दांव पे लगाकर बाहर आए थे। इस मुल्क में वो लोग जो आजादी वतन के हीरोज में फर्क करते हैं, इस मुल्क में वो लोग और वो ताकतें जो इस मुल्क की जंग आजादी और इस मुल्क की स्वतंत्रता के लिए लड़े जाने वाले हीरोज को बांट देते हैं, दर हकीकत वो इस मुल्क की नई नस्ल को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। हम बिल्कुल साफ कहते हैं यहां से जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से, जमीयत उलमा एक एक कुर्बानी की कदर करती है, चाहे वो कुर्बानी मुसलमानों ने दी हो, चाहे वो कुर्बानी हिंदुओं ने दी हो, चाहे वो कुर्बानियां इस मुल्क के लिए सिखों ने दी हो, चाहे इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दलितों ने दी हो, चाहे इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां जैनियों ने दी हो, बुद्धिस्टों ने दी हो, आर्यन ने दी हो, ब्राह्मणों ने दी हो, या इस मुल्क के मिल्लत इस्लामिया के जाबाजों ने दी हो, हम हर उस बंदे को कदर की निगाह से देखते हैं जिसने भी इस मुल्क की आजादी के लिए एक इंच भी खाक को छाना हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम और रिस्पेक्टेड है, हम उसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रखिए, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई का आगाज और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का आगाज ये मानना पड़ेगा इस मुल्क के एक एक बाशिंदे को कि इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों ने किया था, और वो इसलिए किया था कि अंग्रेजों ने हुकूमत इस मुल्क में मुसलमानों से छीनी थी, अंग्रेजों ने इस मुल्क से हुक्मरान के तौर पर बेदखल मुसलमानों को किया था। वो दर्द जो हमारे सीनों में था वो किसी और के सीने में कभी नहीं हो सकता था, इसलिए पहली जंग का आगाज हुआ और 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल में अंग्रेज की खुली बगावत का और अंग्रेज से जंग का ऐलान कर दिया। भाइयों, आपको हिंदुस्तान की आजादी की तारीख सुनाने के साथ साथ एक एक वाकये में छुपे हुए जो राज और नुक्ते हैं, मैं चाहता हूं आज की नस्ल उन नुक्तों को भी समझे और जिन वजूहात से कामयाबियां और नाकामियां मिली उन वजूहात से आज के दौर में ये मिल्लत सबक ले। खाली कोई किताब पढ़ के सुना देना मकसद नहीं होता, माजी में गुजरे हुए वाकयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किए और ये कहा
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے عقل والو، اے سمجھدارو، سبق لو، عبرت لو ان واقعات سے جو ہم نے قرآن میں بیان کیے۔ قرآن میں اللہ نے پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے، کیوں؟ کسی کے غرق ہونے کا واقعہ، کسی کے اسی دریا سے نکل جانے کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں 40 برس تک محفوظ رہنے کا واقعہ، اور پھر مچھلی کے پیٹ سے حفاظت کے ساتھ یونس کو لانے کا واقعہ، اور یہ کہہ بھی دیا گیا فَاسْتَجَبْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایمان والو، جس طرح یونس نے ہم سے تعلق جوڑا اور اس نے ہمیں صدق دل سے پکارا، اے محمد کے غلاموں ہم سے تم بھی جوڑ کے دیکھنا اور اسی طرح مانگ کے دیکھنا، تمہیں بھی نجات عطا کریں گے۔ اللہ نے جتنے بھی واقعات بتائے، دو چیزیں میرے پیارو، قرآن کے واقعات سے لے کر ایک ایک واقعے میں دو پہلو چھپے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ناکام ہوئے ان کی ناکامی کی جو وجوہات تھی، آج بھی اگر وہ وجوہات اور اسباب ظاہر ہوں گے، ناکامی آج بھی ہوگی، اور وہ جو کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کی وجوہات، اسباب و ذرائع جو کل تھے، آج اگر وہ ہوں گے آج بھی کامیابی ہوگی۔ یہ ہے واقعات کا اصل مقصد۔ سبق لو، ہر سال 15 اگست کو واقعات سننے کے بعد یہ بھول جانا کہ ہم نے کیا سنا تھا، کیا ہم نے سبق لیا، اور جن قوموں کے پاس عزائم نہ ہو، جو اپنے گزرے ہوئے کل سے سبق نہ لے سکتے ہو، پھر تو یہی حق ہے ان کا کہ ظالم ان کی کمر پہ کوڑا برسائے اور وہ چیختے رہے اور ان کی کوئی چیخ کو سننے والا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنی بدلنے کی فکر کرو، دنیا کو سبق سنانے سے پہلے خود سبق لو، دنیا کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریباں میں خود جھانکو، ہم نے کیا سیکھا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جو لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یا ملک کی امن و سلامتی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، ان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ ملک کی امن و سلامتی کی بقا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس ملک کی جڑوں کی حفاظت کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارا کیا کردار ہے۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دوسروں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، دوسروں سے صرف کہہ سکتے ہیں، مگر ہماری ذات اتنی ضرور ہے کہ ہم کرنا چاہیں تو ہمیں کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نواب سراج الدولہ نے اعلان کیا، جنگ کا آغاز ہوا، اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا کہ نواب سراج الدولہ میدان میں آئے، بھرپور فوج، بھرپور طاقت، بھرپور سپاہی اور بھرپور اسلحہ۔ 100% اس بات کا یقین تھا کہ نواب سراج الدولہ کامیاب ہوں گے، کوئی ظاہری سبب، کوئی ظاہری وجہ، کوئی بھی ریزن ایسا نہیں تھا کہ وہاں انگریز پھلاسی کے میدان میں بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے سکے، مگر ہائے افسوس، اس ملت کی تقدیر کیا ہے اللہ جانے، کہ اسی کا سپہ سالار، اسی کا فوجی کمانڈر اور جنرل جس کا نام میر جعفر تھا، ایک رات پہلے اس نے انگریز کے گورنر سے سودا کیا اور تائین وقت پہ تم اگر جب میدان میں جنگ ہو رہی ہو سپاہیوں کو روک لوگے تو ہم تمہیں اتنی جائیدادیں دیں گے۔ اس نے اپنے ضمیر کا اور ایمان کا سودا کیا۔ جب میدان کارزار گرم ہوا، نواب سراج الدولہ میدان میں آئے، دیکھا کہ سپاہی تو بہت کم ہیں، آواز دی میر جعفر کہاں کہ سرکار ہو تو ہمارے اور سپاہیوں کو روک کے کھڑے ہو گئے اور وہ آنے نہیں دے رہے۔
वो कहते हैं बस हो चुका, हम जल्द नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने आने से मना कर दिया। गर्ज ये कि नवाब सिराजुद्दौला जितनी देर लड़ सकते थे लड़े, और फिर इस नियत से कि मैं अब इस मैदान से वापस जाऊं ताकि दोबारा अपनी कुव्वत को जमा कर सकूं, मैदान से बहिफाजत निकल गए और एक जगह जाकर के रूपोश हो गए और अपने सर को पकड़ के बैठ गए। आए दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने वाले, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, ना कभी तुम्हारे होंगे। ये कल भी तुम्हारे दुश्मन थे, आज भी तुम्हारे दुश्मन है। भाइयों आज गौर करिए आप, वो नवाब सिराजुद्दौला के फुलासी के मैदान का वीर जाफर क्या आज उम्मत मुस्लिमा में मर गया, खत्म हो गया एक बार? आज नहीं है वो। ये थानों की मुखबरिया कौन से वीर जाफर कर रहे हैं आज? ये जो एक दूसरे को पट करने पे लगा हुआ है मुसलमान, ये किसका काम है? ये जो एक दूसरे की कमजोरी का बाइस बनते हैं, याद रखो अपने ही भाइयों को कमजोर करने वाला कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, वो आज का वीर जाफर है। जिसका किरदार हो उसी किरदार से पुकारो उसको। लोगों में जाने क्या हो गया, वो ईमानदार लोगों की कदर नहीं करते आज, वो ईमानदारों की कदर नहीं करते आज। आज मेरे प्यारों क्या हुआ हमें कि हम चापलूसों की और मुखबिरों की और आज के वीर जाफरों की कदर करते हैं जो मिल्लत के सौदागर हैं, जो मिल्लत को टके टके बेचते हैं, जो बातिल के ईमानों में जाकर उनके ने कदमों पे सर रगड़ के तुम्हारी तुम्हारी पूरी हैसियत का सौदा करते हैं, फिर भी इस मुल्क का मुसलमान कहता है वाह वाह ये है हमारे रहनुमा। मेरे प्यारों जो मुसीबत की जड़ कल थी आज भी वही बाकी है। अगर वो जड़ ही खत्म कर दोगे गद्दारों की, इस मुल्क में कभी भी मुसलमान परेशान नहीं हो सकता है। नवाब सिराजुद्दौला को तलाश किया गया, नतीजा ये हुआ, फिर दूसरी मरतबा मुखबरी हुई और मुखबरी के नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया और फुलासी के मैदान में चौक पर इस पहली आजादी के हीरो को फांसी दे दी गई और यहां आजादी की एक जंग रुकी और शहादत का बाब लिखा गया। पहली आजादी 1756 से शुरू हुई और 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की फांसी पर मुकम्मल हुई। याद कर लो आजादी की पहली जंग 1756 से शुरू होकर 1757 पे मुकम्मल हुई है। बस नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने जैसे ही शहीद किया अब तो बेलगाम हो गए। भाइयों यहां पर एक बात और कहता हूं, कोई आदमी होता है और वो कौम की खिदमत कर रहा होता है, लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। देखो ये बात ठीक है कि तनकीद करो, ये बात ठीक है कि तुम कहो कि ये भी करो, मगर उसको कमजोर करने की बातें मत करो, या तो उसको रिप्लेस करो उससे बेहतर लाकर, लेकिन उससे बेहतर ना हो तो उसके कदमों को कमजोर मत करो बल्कि उसकी ताकत में इजाफा पैदा करो। ये बराबर अपना मुतालबा करते रहो कि ये भी करो, चूंकि आज के दौर में आपको कोई भी सिद्दीक अकबर जैसा बंदा नहीं मिल सकता कि जिस पे कोई उंगली ना उठाए, ये जिब्रील अमी आसमान से उतर के मेरी आपकी कियादत नहीं करेगी, वही लोग करेंगे जिनमें कमियां पाई जाती हैं, जिनमें खामियां पाई जाती हैं। कितना ही बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कायद क्यों ना हो, ये तो मानते हो कि वो इंसान है फरिश्ता नहीं है, कमियां और खताएं उससे सरजद हो सकती हैं, मगर कमियों और खताओं की बुनियाद पर उसकी ताकत को कमजोर करने की प्लानिंग कभी ना करो। भाइयों आजादी के बाद भी मौलाना आजाद ने यही कहा था
कि मैं किससे शिकवा करूं इस बात का कि ये कौम अपने सच्चे कायदों की कदर ही ना कर सकी, और लगता है कि ये कायदीन की कदर कर ना सकेगी। हो सकता है जो कायद हो जो कर रहा है वो कर रहा है, जो तुम कह रहे हो आज उसका वक्त ना हो, कल हो सकता है आने वाले कल में उसका वक्त हो और वो काम भी हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो हो रहा है उससे बेहतर जानो जो नहीं हो रहा है। ऐसा ना करो, हमारे यहां हुआ ऐसा, जिन लोगों ने किसी एक लीडर को तबाह करने के लिए ताकतें लगाई वो उसकी जगह नहीं ले सके हैं आज तक आजादी के बाद से। बर्बाद तो कर सकते हो, दुश्मन तुम्हें इस्तेमाल तो कर सकता है, दुश्मन तुम्हारे हाथों को हथियार बना के तुम्हारी कियादत में तुम्हारी कियादत को बर्बाद तो कर सकता है, मगर याद रखो जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने ही महल में बुलाकर और उससे कहा गद्दार तुझे अपने का नाम हुआ, अपने ही का नमक हराम हुआ, कल हमारा नमक हलाल कैसे होगा, और उसे वहीं पर गोलियों से भूना और सर उसका काट के पेड़ पर लटका दिया और बता दिया गद्दारों का अंजाम ये होता है। भाइयों 15 अगस्त हमें याद दिलाता है इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी लड़ी गई और वो 1757 में लड़ी गई, मगर उसी लड़ाई में एक तरफ एक लड़ाई का हीरो है और एक तरफ गद्दार है। आगे बढ़ी ये बात, अब अंग्रेज बंगाल से आगे निकले और ये इस तरफ कर्नाटक की तरफ उन्होंने रुख किया, एक शहर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यहां तक के वो बंगलोर और मैसूर तक पहुंच गए। मैसूर पे जब पहुंचे तो वहां एक शेरे पबर, एक तहज्जुद गुजार, एक इस मुल्क से तनो मन से मोहब्बत करने वाला सच्चा हिंदुस्तान का कायद, सच्चा हिंदुस्तान का लीडर, जिसकी बालिग होने के बाद से कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, जिसका नाम सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये 1757 से 1792 तक अंग्रेज इलाकों को फतह करते हुए और अपना झंडा गाड़ते हुए मैसूर पहुंचा, और मैसूर में 1792 ईस्वी से लड़ाइयां शुरू हुई। 6 बड़ी लड़ाइयां सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ी और इतनी कामयाब कि अंग्रेज के दिल में खौफ बैठ गया और इतनी हैबत बैठ गई। अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है, जो इंडियन लाइब्रेरी लंदन में आज भी बिल्कुल पुरानी 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 किताबें और राइटिंग के साथ वो बुक रखी हुई है, अंग्रेज ने लिखा है कि हमें कभी भी सुल्तान टीपू की आंखों में डाल के देखने की हिम्मत ना हो सकी। डायलॉग भी चले, सिटिंग भी हुई, बातें भी हुई, अंग्रेज आता था और कहता था सुल्तान ये मेरी शर्तें हैं, इनको मान लीजिए आप, हम लड़ाई खत्म किए देते हैं। उनकी शर्तें क्या होती थी कि खिराज हमें दो, बादशाह तुम रहो, मालिक हम रहे लेकिन नाम की डुगडुगी तुम बजाते रहो। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे सुनो एक ही रास्ता है, अगर जान बचा के इज्जत के साथ अपनी माओ को देखना चाहते हो तो इस मुल्क से चले जाओ, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुम्हें इस मुल्क में चैन की सांसें लेने नहीं दूंगा। नतीजा ये हुआ, मई का महीना आया और छठी सबसे बड़ी लड़ाई श्रीरंगापट्टनम के मैदान में शुरू हुई। 4 मई को अंग्रेज के उस वक्त के वहां के जनरल ने, उस वक्त का जनरल कमांडर जिसको सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फौजी कमांडर नियुक्त किया था, मीर साबिक को जंगलों में बुलाया और उससे बात की, देखो हम तुम्हें लाखों मुरब्बा मील, लाखों दिरहम और दीनार यानी अशरफिया सोने और चांदी के सिक्के हम तुम्हें देंगे, तुम्हें काम बस इतना सा हमारा कर दो कि परसों जो लड़ाई श्रीरंगापट्टनम के मैदान में होगी
उसमें अपने फौजियों को पुरानी बंदूकें और पुरानी तलवारें दे दो ताकि हम आसानी के साथ सुल्तान टीपू पर काबिज मुसल्लत हो सके और उन पर अपना काबू पा सके। उसने कहा बहुत अच्छा, दौलत की चमक में ये नादान ये भूल गया कि अभी 20-30-40 साल पहले, अभी ये मुझसे 40 साल पहले बंगाल में भी वीर साबीर जाफर का कुछ करके आए हैं। दौलत का नशा बड़ा अजीब होता है, देश के दुश्मन कभी भी पुरानी बात याद नहीं आने देते, लेकिन देश के वफादारों, देश के हमदर्दों को पहचानो और देश को बर्बाद करने वालों को जानो। देश को आबाद करने के लिए अगर हमारे नजरिए के खिलाफ, हमारी सोच के खिलाफ, हमारी राय के खिलाफ भी कोई बंदा आगे खड़ा हो और वो देश का हमदर्द हो, उसका साथ दो, इसलिए कि देश बचेगा, वो भी बचेगा, हम भी बचेंगे, देश नहीं बचेगा, ना वो बचेगा ना हम बचेंगे। एक टारगेट होता है, गोल होता है जो हर चीज से ऊंचा होता है। मीर सादिक वो नादान ये भूल गया कि इस मुल्क में अगर अंग्रेज काबिज हुआ, ए मीर सादिक ये सोच कि जब ये तेरे सुल्तान के नहीं तो तेरे कैसे हो जाएंगे। भाइयों, एक एक वाकये में सबक है, गौर करो। मीर सादिक ने वादा कर लिया और पूछा क्या क्या दोगे, कहा ये देंगे ये देंगे ये देंगे ये देंगे। अच्छा भाई, ऐलान करने में क्या जाता है, ऐलान करने में, वादे करने में क्या जाता है? ये रीत भी पता चला पुरानी निकली, ऐलानात वाली और वादों वाली रीत भी पुरानी निकली। ये इस मुल्क में कोई नई रीत नहीं है। लड़ाई शुरू हुई 6 मई 1799 को और सुल्तान टीपू जो किले में थे उन्होंने तय किया था हम किले के अंदर से लड़ाई लड़ेंगे। मीर सादिक ने कमांडर को किले पे खड़ा कर दिया और कहा जब चारों तरफ से अंग्रेज हमला शुरू कर दे तो मेन गेट खोल देना। याद रखना, अगर किले का दरवाजा उस दिन ना खोला जाता, अगले 40 बरस तक भी अंग्रेज सुल्तान टीपू पे काबू नहीं पा सकता था। दरवाजा खुला, अंग्रेज की फौज अंदर दाखिल हुई, सुल्तान टीपू घोड़े पे सवार हुए और ऐसा लगता था जैसे बिजली गरज रही हो, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। कई सौ अंग्रेज फौजियों को अकेले सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह ने तहे तेक कर दिया और अंग्रेज की फौजों की लाशें बिछा दी। लेकिन जब पीछे मुड़के देखा तो जो वफादार फौजी थे वो शहीद हो चुके हैं और सुल्तान टीपू शहीद अकेले हैं और मीर सादिक वहां किले की ऊपरी फसील पे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है और इंतजार कर रहा है कि ये सुल्तान अब और तब शहीद होने वाला है। भाइयों, हमने आपने सीरियल देखे हैं, जवानों तुमने रातों में बैठ के चौराहों पे चाय की चुस्कियां ली हैं, तुमने रजनी गंदे खा खा करके दीवारों को लाल किया है, तुमने मोबाइलों में यूट्यूब के शॉर्ट्स और फेसबुक की रील्स को देखकर अपनी रातों को बर्बाद किया है। कभी वक्त मिले तो सुल्तान टीपू शहीद की हिस्ट्री को पढ़ना, तेरे अंदर का जमीर जाग ना उठे तो मेरा गिरेबान चौक पे पकड़ लेना। क्या है ये शख्स, मुसलमानों की 99% आबादी इस मुल्क में जानती ही नहीं। कौन है ये बहादुर अल्लाह का नेक बंदा जिसके अंदर इतनी शुजात, बहादुरी, ईमानी वलवला, देशभक्ति और देश से प्यार और मोहब्बत कि अकेला गरज रहा है। चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, एक गोली मारी ये बाजू पे लगी, दूसरी गोली मारी कलाई पे लगी, फिर तलवार मारी यहां कोहनी से हाथ कटा, अल्लाहू अकबर, अपने ही हाथ को पैर से पकड़ा और खींच के अलग फेंक दिया और उल्टे हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हमला किया, गोली मारी, यहां गर्दन को छूते हुए निकल गई, खून के धारे बह रहे हैं,
लेकिन ये अल्लाह का ऐसा शेर है इस मुल्क का, ये सांस नहीं ले रहा है। इधर तलवार उधर तलवार, एक अंग्रेज फौजी ने सामने निशाना लगाकर गोली मारी और वो सीधी यहां लगी और हजरत सुल्तान की वो शहीद गिर गए। लेकिन लिखा है किताबों में गिरते गिरते तलवार ही घुमाते रहे, यहां तक के जब जमीन पे गिरे हैं, गिरते गिरते भी चार अंग्रेज फौजियों को तह तह कर दिया। गिर गए और चंद मिनटों में रूह परवास कर गई। अंग्रेज 20 कदम दूर खड़ा है, ये है इनकी ताकत। हमने तो इस दौर में भी इनकी ताकत देखी है, कैसे भाग रहे थे ये। उस दौर में भी देखा किताबों के आईने में, दूर खड़े हैं और ठेले मार रहे हैं, सुल्तान टीपू शहीद के ठेले मार रहे हैं। अंग्रेज जितना गोरी जितना चमड़ी का गोरा है, याद रखो इस दुनिया का अंग्रेज मन का उतना ही काला है। इसलिए कि इस मुल्क में उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ जो जुल्म किया है, वो काले दिल के सिवा कोई कर नहीं सकता। ढेले मार रहे ढेले कि देखो कोई जान तो नहीं है ये। अरे बहादुर कभी ऐसा करते हैं? बुजदिलों की अलामत है ये। यहां तक के जब देखा कि कुछ नहीं रहा तो लॉर्ड वहां आगे बढ़ा और लॉर्ड लीक ने जाकर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को देखा और कहा, आज टाइगर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का शेर दुश्मन कह रहा है, टाइगर ऑफ इंडिया हमारे हमारे काबू में आ चुका है। और जब जंगल का टाइगर काबू में आ जाए, फिर वो जंगल में किसी को भी कुछ और करने की जसारत नहीं होती। लॉर्ड लीक ने कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ और अब हमें हिंदुस्तान में कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे जवानों, पहली जंगे आजादी हुई 1757 को, एक हीरो इस मुल्क की आजादी का, एक गद्दार मीर जाफर, दूसरा हीरो सुल्तान टीपू और दूसरा गद्दार मीर सादिक। मीर सादिक का भी यही हुआ, चंद दिहाई गुजरने के बाद मीर सादिक को भी एक तालाब के किनारे पर अंग्रेज ने गोली मार करके मछलियों के हवाले कर दिया। ये बात आगे बढ़ी, अब अंग्रेजों के और हौसले बुलंद हुए। भाइयों, ये मैसूर से निकले और दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया। वहां बैठा हुआ बादशाह, जो अपने नशे में ताकत के चूर था, जिसे इस मुल्क की परवाह न थी कि क्या हो रहा है, जो वहां गजलों में और कव्वालियों में मस्त था, जिसे लाल किले के बाहर की खबरें पहुंच ही नहीं पा रही थी, वो नादान बादशाह क्या समझता कि इस मुल्क की क्या कीमत है। उसके पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने जिस तरह इस मुल्क को सजाया था, उस नादान को इसकी उस कीमत का अंदाजा ही नहीं था। ये बढ़े और मरहटा फौजे, गालिबन मरहटा महाराष्ट्र के लोगों में होते होंगे, मरहटा फौजे वहां पहुंची लाल किले के बाहर, रोहेल खंड की फौजे वहां पहुंची। जब उन्हें पता चला कि मैसूर से लॉर्ड लीक पूरी ताकत के साथ दंडनाता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा है, उन्हें अंदाजा था अगर दिल्ली हाथ से चला गया, इस मुल्क में फिर कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी कबीला महफूज नहीं रहेगा। वो मरहटा फौजे, रोहेला फौजे और शाही फौजे सामने आई लाल किले के, और उन्होंने लॉर्ड लीक का डट के मुकाबला किया। मगर आंधी इतनी तेज थी, बंगाल से चलते चलते उनके हौसले इतने बुलंद थे, मरहटा और रोहेला फौजों के उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए। यहां तक के लाल किले के दरवाजे के अंदर वो दाखिल हो गए, और जब लाल किले के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो बादशाह सलामत मस्ती में बैठे थे गद्दी पर, कहा बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैठे रहो।
अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने बादशाह से मुआहदा लिखवाया, कहा आप ही बादशाह हैं, हम तो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, आप एक इस पर साइन करिए। और उन्होंने लिखा कि मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा की और हुक्म कंपनी बहादुर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कहा लिख करके साइन करो। नादान बादशाह ने उस पर साइन किए और उन्होंने मुगलिया सल्तनत का झंडा उसी लाल किले की दीवार से, जहां आज हिंदुस्तान की आजादी का तिरंगा पूरे शान और शौकत के साथ लहरा रहा है, उसी फसील से उन्होंने मुगलिया सल्तनत का झंडा, जो इस मुल्क की आजादी का प्रतीक था, जो इस मुल्क की ताकत का निशान था, जो इस मुल्क के अकदार का पाबंद था, उसे उतार के फेंका और यूनियन जैक बर्तानिया का उन्होंने उसकी जगह लहरा दिया और ऐलान कर दिया कि अब हुकुम बादशाह का नहीं होगा, ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी बहादुर के चलेंगे। हाँ, डुगडुगी बजाने को ये बादशाह बना रहेगा, लेकिन हुक्म हमारा ही होगा। दिल्ली में बैठा हुआ एक अल्लाह का वली, उस वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस, उस वक्त का पूरे मुल्क का सबसे बड़ा आलिम दीन, जिसको दरस हदीस के अलावा कोई और काम नहीं था, उस वक्त का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा और एक वली, एक कामिल मुहद्दिस, एक कबीर का जानशीन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास ये खबर पहुंची कि हजरत आज लाल किले में ये हुआ, लाल किले से मेहदीयान का फासला ज्यादा नहीं है, पता चला। अच्छा, ये हो गया? जी हजरत, ये हुआ। हजरत ने फरमाया, भाइयों हम वो लोग हैं, हमें संदेह की निगाह से ना देखो, हम उलामा और मुसलमान वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी को वतन और मजहब की दोनों की आंखों से लड़ा था, हमने तो इस मुल्क की आजादी को अपना फरीजा और इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ने को शहादत का शौक लेके आगे बढ़े थे, हम किसी रस्मी काम के लिए आगे नहीं निकले थे। इस मुल्क में 1803 में एक आलिम दीन, सबसे बड़े उस वक्त के देश के धर्मगुरु, मुसलमानों के धर्मगुरु, दिल्ली के मेहदीयान में शागिर्दों से कहते हैं, लिखो आज से हमारा मुल्क गुलाम हुआ, इसलिए कि जिस मुल्क में ऑर्डर्स बादशाह के अप्लाई ना हो, निफाज हुकूमत अपने ही ऑर्डर्स का ना कर सके, अब वो मुल्क आजाद नहीं है, गुलाम हुआ। अब इस मुल्क के बाशिंदों की आजादी छीन ली गई और मुसलमानों से कहो कुरान और हदीस की रोशनी में अब उन पे जिहाद फर्ज हुआ, इस मुल्क की आजादी के लिए वो खेतियां छोड़ दें, वो मदरसों से निकल आए, वो दुकानों पे ताले लगाएं और शौक शहादत का जज्बा लेकर अपने दिलों में शहादत की तमन्ना लिए इस मुल्क को आजाद कराने का फरीजा अपने जहनों दिमाग में पेवस्त करके मैदानों में निकले। अगर इस मुल्क की आजादी के लिए कोई मुसलमान हीला बहाना बनाकर घर में बैठा रहेगा, फतवा ये कहता था कि वो खुद ब खुद काफिर हो जाएगा, इसलिए कि जिहाद की फजीहत का आम ऐलान होने के बाद कोई भी मुसलमान अगर घर में बैठा रहे और वो आजादी वतन के लिए ना निकले, फतवे की रूह से खुद ब खुद वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम यूं कहें, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का जो फतवा दिया वो इस अंदाज का फतवा था, उसके बाद से लेके आज तक इस अंदाज का फतवा किसी वतन की आजादी के लिए नहीं दिया गया। प्यारो, ये फतवा देना था, वो फतवे हमारे आपकी तरह थोड़ी दे आज हलाल हराम तलाक दिया निकाह, ये वाला नहीं था, फतवा था जान लेके आओ, बने बनाए घरों को ये सोच के आओ आग लगाई जा सकती है, ये इरादे करके निकलो
कि तुम्हें तहत किया जा सकता है, ये सोच के आओ कि तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से जुदा किया जा सकता है। मगर ये हिंदुस्तान के लोगों, अगर तुम नहीं निकलोगे तो ये मुल्क इतनी बदतरीन गुलामी में चला जाएगा कि फिर इसको गुलामी से छुड़ाना नामुमकिन नहीं, महाल हो जाएगा। सोचो आज जिस तरह इस आजाद मुल्क में, धुलिया महाराष्ट्र में, हम खुले मैदान में आजादी के साथ आजादी का ये जलसा कर रहे हैं, क्या इस तरह आजादी मुमकिन थी उस वक्त? ये जो सफेद कपड़े लिए हम बैठे भाइयों, उस वक्त फतवा ये देने का मतलब था कि हजरत शाह साहब ने अपने आप को इम्तिहान की भट्टी में डाल दिया, अंग्रेज ने जोर डाला कि शाह साहब ये फतवा वापस लीजिए आप। शाह साहब ने कहा हरगिज नहीं, ये तो दे चुका हूं, ये फतवा वापस नहीं हो सकता। शाह साहब को जहर दिया गया, यहां तक कि उनकी रोशनी चली गई और अंधे हो गए, उन्हें जेल में डाला गया, सजाएं दी गई। मगर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे कि वो अड़ गए कि मैं फतवा वापस नहीं लूंगा, सौदा नहीं किया। हम वो उलमा जो यहां बैठे हैं, हम अपना नसब और अपना रिश्ता मुजाहिदे आजादी, बल्कि मैं ये कहूं हिंदुस्तान की आजादी का, जिहाद का फतवा देने वाला सबसे पहला जो आलिम रब्बानी है, हमारी हदीस की सनद और हमारा इल्मी नसब और हमारे लिए आइडियल और मॉडल वही जाकर के मिलता है। हम उन्हीं की रूहानी औलादे हैं, उनसे हटकर हमारी जिंदगी का एक कदम भी नहीं। मेरे प्यारो, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खाली फतवा नहीं दे दिया हम जैसे मौलवियों की तरह कि दे दो और काम खत्म, बल्कि अपने शागिर्दों को इस फतवे पे अमल करने के लिए तैयार किया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को भेजा और कहा जाओ नवाब अमीर खां के यहां पहुंचो और उनके यहां एक फौज तश्कील दो और उस फौज में लोगों को ट्रेनिंग दो ताकि अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में लड़ने वाले फौजी मिल सके। नवाब अमीर खां के यहां पहुंचे, उन्होंने इस्तकबाल किया, फौज में एक टुकड़ी को दिया और कहा ठीक है तैयारी करो। तैयारी करी, अंग्रेज को पता चला, उन्होंने नवाब साहब से कहा नवाब साहब फौरन बंद करिए वरना ये पता चलेगा आपकी नवाबी भी गई। यही तो इम्तिहान होता है। अक्सर मालदार, अक्सर ओहदेदार, अक्सर जागीरदार, अक्सर कह रहा हूं सारे नहीं कह रहा हूं, हमेशा जागीर ओहदा और माल बचाने में ईमान का सौदा कर लेते हैं। चंद होते हैं जो मैदान में खड़े उतरते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा यह फितना है, आजमाइश है। नवाब अमीर खान ने 1816 में कहा भाई हजरत मैं माजरत चाहूंगा, मजबूर हूं, ये दोनों वापस आए। और हजरत 1818 में इन्होंने राय बरेली का सफर किया और यहां दिल्ली से चले गढ़ मुक्तेश्वर, मेरठ, इसी तरह शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और जगह जगह जाकर हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की आग लगाई और जगह जगह तकरीरें की, उठो उठो जागो, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए खड़े हो जाओ। ये दो हस्तियां थी जिन्होंने पूरे मुल्क में आजादी की आग लगा दी। जब ये सादिकपुर पहुंचे और वहां के रईस ने इनकी तकरीर सुनी, बड़े मालदार थे, उस वक्त उन्होंने 1,00,000 अशरफियां आजादी वतन के लिए हदीये में दी का हजरत ये पैसा लीजिए, और अपने एक बेटे का हाथ पकड़ के सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया का हजरत मैं ये चाहता हूं जिस तरह हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम ने पूरे इखलास के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पूरी तैयारी की और छुरी चलाई, मैं चाहता हूं
कि मेरा बेटा भी इस्माइल की तरह इस मुल्क की आजादी में कुर्बान हो जाए। आप सोचिए, इनकी तकारीर के बाद इस मुल्क में आजादी के जज्बे का ये आलम के बूढ़े बूढ़े बाप अपने जवान बच्चों को इस मुल्क की आजादी के लिए पेश कर रहे थे। ये मामला चला और 1824 में ये सफर पूरा हुआ। फिर 1826 आई, हजरत ने सफर शुरू किया और पिशावर पहुंचे। पिशावर में जाके एक हुकूमत बनाई, वहां के डाकुओं से लड़े और डाकुओं को खात्मा करने के बाद एक आजाद हुकूमत की अंग्रेज के खिलाफ बुनियाद डाली और 1757 के बाद 1826 में कितना 57 के बाद 1826 में 60-65 बरस के बाद ये पहली ऐसी हुकूमत थी जो अंग्रेज के खिलाफ बनाई गई थी। हुआ ये, हुकूमत चलती रही, 4 साल तक ये हुकूमत चली। पिशावर के चंद पठानों ने बगावत की और अंग्रेज के मुखबिर बन गए। ये हजरात चाहते थे कि अंग्रेज से लड़ते लड़ते आप ये बालाकोट की पहाड़ियों का सर करते हुए सिंध को फतह करें और सरहद के इलाकों को फतह करें, लेकिन सोए किस्मत वो मुखबिर आगे बढ़े और उन्होंने अंग्रेज को खबर दी कि ये काफिला बालाकोट के रास्ते से सिंध की तरफ जाना चाहता है। अंग्रेज ने अपने वफादार राजा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को 20,000 फौजी लेकर बालाकोट के मैदान में उनको घेरने का हुक्म दिया। शेर सिंह रात और रात बालाकोट के पहाड़ों को चारों तरफ से घेर चुका है। हजरत का काफिला जो सिर्फ 313 लोगों पर मुश्तमिल है, उसे चारों तरफ से घेर के मजबूर किया जाता है कि या तो सरेंडर करो या जंग लो। दोनों ने मशवरा किया अपने साथियों से, भाई 313 है, क्या करें, कुर्बान जाओ इन हीरोज पर, कुर्बान जाओ इन ही आजादी के और फ्रीडम के मॉडल्स पर। अरे ऐसे जज्बे भाइयों, इन्होंने तय किया कि 313 की सुन्नत यह है कि कभी वो हथियार नहीं डाला करते। टूटी तलवार, नेजे टूटे हुए हो, पैरों पे उनके किसी तरह के चीथड़े बने हो, मगर सुन्नत रसूल ये है जब अदद 313 हो, पीछे ना हटो, आगे बढ़ो, या तो सभा हो जाओ या कामयाबी का परचम लहरा के आओ। लड़ाई शुरू हो गई, यहां तक के अक्सर साथी शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, भाइयों में इनका मकाम खालिस अगर सैयद साहब का बताऊं, वल्लाह कसम खा के कहता हूं पूरी रात गुजर जाएगी, मैं इनको बयान नहीं कर सकूंगा। एक लाइन में कहता हूं, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो दौरा किया, जहां जहां सैयद साहब एक घंटा भी कहीं रुके हैं, आज उस एक चप्पे पर मस्जिद या मदरसा बना हुआ मिन जानी बिल्ला और इंद अल्लाह कबूलियत का ये आलम। हमारा देवबंद और दारुल उलूम उसी अल्लाह के वली के कदमों से बरकत शुदा मदरसा है। वहां की एक मस्जिद है काजी मस्जिद, उसी दौरे में देवबंद उस वक्त में बर लबे गंगा, ये लिखा है किताबों में, गंगा जो बिजनौर में यूपी में रहती है, उस वक्त देवबंद उसके देवबंद के किनारे में रहती थी। सैयद साहब ने जब नदी का सफर किया, इस कस्बे में उतरे और काजी मस्जिद में वहां कियाम किया। आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ के देखो, देवबंद की दो ही मस्जिदें हैं जिसमें नमाज पढ़ने का अलग ही रूहानी मंजर और रूहानी कैफियत होती है। एक दारुल उलूम देवबंद की छत्ता मस्जिद और एक वहां की काजी मस्जिद, इन दोनों में नमाज पढ़ने का अलग ही सुरूर और कैफ पैदा होता है। सैयद साहब शहीद हो गए, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मैदान में है। एक शेर सिंह के सिपाही ने आकर ये दो जाना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दी। शाह इस्माइल शहीद ने कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक तुझे जबह न कर दूं तब तक मुझे मौत नहीं आएगी।
किताबों में हमने पढ़ा है अल्लाह का कोई वली अगर कसम किसी बात की उठा ले तो अल्लाह उसकी लाज रखते हुए उसकी बात को पूरा कर देता है। हाय बालाकोट की पहाड़ियों, कितनी खुश नसीब हो तुम, दो दो शहीद और उसके कारवां को लिए अपने दामन में समाये हुए हो, और ऐसा शहीद शाह इस्माइल शहीद की गर्दन पे तलवार आई और यो गर्दन को उड़ाते हुए निकल गई, गर्दन गिरी, मगर वो कसम अल्लाह को पूरी करनी थी। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक छलांग लगाते हैं, गर्दन यहां है, गोया आज के दौर में वो जंप लगाते हैं, बगैर गर्दन का धड़ जंप लगाएगा, जिस धड़ पे सर में हो वो गिरेगा या जंप लगा के आगे जाएगा। शाह इस्माइल शहीद एक जंप लगाते हैं, दोनों हाथों से तलवार उस अंग्रेज के वफादार फौजी के सर के ऊपर रखते हैं और यो चीरते हुए वो तलवार आती है, अंग्रेज फौजी दो तरफ गिरता है और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का धड़ गिरता है। आज भी उनकी गर्दन अलग दफन है और धड़ अलग दफन है ताकि इस इश्क रसूल का मंजर कयामत तक मुसलमान देख सके। 1803 में ये यहां खालिस हिंदुस्तान के धर्म गुरुओं ने लड़ाई लड़ी, 1831 में बालाकोट पे यहां शिकस्त हुई और यहां भी अंग्रेज ने इसी मुल्क के एक राजा के बेटे को मुकाबले में भेजा और नतीजा ये हुआ कि ये काफिला भी लुट गया और शहीद हुआ। इसमें चंद बचे कुछ लोग जो उलमा के वापस आए और सर जोड़ कर बैठे, उन्होंने इस मुल्क में आने के बाद देखा कि अब अंग्रेज के जुल्म आसमान छू रहे हैं, क्या किया जाए, फिर इन्होंने अपने आप को संभाला और अब वो वक्त आया कि इस मुल्क में तीसरी जंग की शुरुआत हो, मगर ये जंग ऐसे लड़ी जाए कि इस जंग में हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, मजहबी मुस्लिम धर्म गुरु भी हो, हिंदू धर्म गुरु भी हो, क्योंकि अकेला मुसलमान ये समझ चुका था कि इस मुल्क में आजादी वतन की लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। खत्म करो तुम बात सुनेगा, लिहाजा पूरे मुल्क का जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद तैयारियां शुरू की गई। इसी अरसे में अंग्रेज ने यह हरकत की, इसी पर बस मैं बात को समेट देता हूं जल्दी, हरकत यह की कि उसने लुधियाना और अमृतसर के स्टेशनों पे हिंदू और मुसलमानों को फाड़ने के लिए जब पता चला हिंदू और मुसलमान एक हो रहे हैं, वहां पानी के मटके रखवाए और उसमें लिखा हिंदू पानी मुसलमान पानी, फिर हिंदू और मुसलमानों के मजहरी जज्बात को भड़काने के लिए और उनके दिलों पर चोट करने के लिए अंग्रेज ने अपने कारतूस पे चपरी चर्बी को पेस्ट किया और बताया गया कि ये चर्बी गाय की और सूअर की चर्बी है जिससे हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचे और मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचे। इस वाकये ने इस कोशिश को बरकरफ्तारी अता की और ये बहुत तेजी पकड़ गई, यहां तक कि फिर 1857 आया और 1857 में हमारे अकाबिरीन जिनको हम कहते हैं अकाबिरीन देवबंद, ये सर से कफन बांध के निकले और इन्होंने चारों तरफ कोशिशें की और पूरे मुल्क में अंग्रेज के खिलाफ जंग का महाज खुला। पहला आगाज हुआ बंगाल के दमदम बारकपुर में, दूसरा आगाज हुआ मेरठ की छावनी में मंगल पांडे ने किया, तीसरी लड़ाई हुई शामली के मैदान में हजरत गंगोही, हजरत नानोथवी, हजरत जाफर थानेसरी, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह और हाफिज जामिन शहीद और तमाम हमारे अकाबिर, और तीसरा महाज, चौथा महाज अमृतसर में खोला गया, पांचवा अलीगढ़ में खोला गया, छठा मुरादाबाद में खोला गया। इस तरह जाने इस मुल्क में 160 करोड़ जगह पर अंग्रेज के खिलाफ जंग शुरू हुई
मगर सोए इसमें कि इस जंग में भी अंग्रेज ने भारत करो बांटो और राज करो इसकी का फायदा उठाया और 1857 की जंग आजादी में भी हमें नाकामी हाथ लगी। उसके बाद बस ये था कि अल्लाह की पनाह, जो जुल्म शुरू हुआ जो मिलता उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता। अंग्रेजों ने लिखा है मिस्टर थॉमसन और इसी तरह वायसराय हिंद की डायरी जो आज भी लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई है, उसने लिखा है कि चांदनी चौक का जो मैदान है, उसने लिखा है कि चांदनी चौक के मैदान में मेरे अंदाजे के मुताबिक 30,000 मौलवियों को बोरियों में भर भर के हाथ के हवाले कर दिया। और कहता है मेरी हैरानी की इंतहा ना रही, जिस मौलवी को बोरी में भर के आग में डाला जाता उससे कहा जाता खाली एक दस्तखत कर दो तो तुम अंग्रेज के वफादार हो। कहता ना, किसी भी कीमत पर हम दस्तखत नहीं करेंगे, मार दो जला दो। और हर आदमी एक के बाद एक सामने से जल रहा था आलिम दीन, मगर एक भी अपने एक कदम को पीछे नहीं हटा सका। ए वो लोगों जो ये कहते हो इस मुल्क में उलामा तुम्हारे लिए खतरे का बाइस है, कभी आजमा के देखो, मैदान में ला के देखो, खुदा की कसम इस मुल्क की हिफाजत के लिए आज भी उलामा उसी तरह कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं जिस तरह चांदनी चौक के मैदान में उलामा ने कुर्बानियां पेश की। भाइयों 1857 में कितने कस्बों को पामाल किया गया, कितनी जाने गई। एक गैर मुस्लिम हिंदू मारख है हिस्टोरिकल मैंने, वो कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 5,00,000 सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, उसके बाद हिंदू सिख ये अलग हैं। 5,00,000 तो खाली मुसलमानों को अंग्रेजों ने जबा किया है और फांसियां दी। भाइयों इसी तरह ये बात आगे बढ़ी है 1857 के बाद, फिर जेलों में माल्टा अंडोमान कालापानी लुधियाना शिमला रामपुर और ये हमारे अकादरीन से जेलों को भर दिया गया। नतीजा ये निकला कि चलते चलते अकादरीन ने हार नहीं मानी और 1947 आया। इसी जिद्दोजहद, ये एक पैगाम दे के बात को खत्म कर रहा हूं, आपसी इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई का इत्तेहाद जब बना, एक तरफ नेहरू गांधी जी भगत सिंह बोस खड़े हुए, दूसरी तरफ मदनी आजाद और उनके साथ मुफ्ती किफायतुल्ला और मौलाना अहमद सईद देहलवी मौलाना मोहम्मद मियां, ये खड़े हुए। जब ये मिल के आए हैं अंग्रेज के दांत खट्टे हुए और 15 अगस्त 1947 को ये आजादी नसीब हुई। भाइयों आपसे दरख्वास्त है इस आजादी की कदर करें, इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क की आबियारी के लिए, इसके सरसब्ज व शादमान होने के लिए, अमन व सलामती के लिए और इस मुल्क की खुशहाली के लिए जो कर सकते हो करो, अल्लाह उसकी जजा हमें देगा। दुनिया से बदल की उम्मीद न रखो। बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ की जमीयत उलमा के जिम्मेदारों को, कारकुनान को, एक एक फर्द को जिन्होंने आजादी वतन की इस तारीख को दोहराने के लिए इस जलसे को मुनाकिब किया। यहाँ के प्रशासन का शुक्रिया, यहाँ के एक एक साथी का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको इस मुल्क की खिदमत के लिए अपने शायर के साथ, मजहबी तशख्स के साथ, आजादी मजहब के साथ कबूल फरमाए। वाखिर दावाना الحمد لله رب العالمين